दोस्तों इतिहास के नजरिए से देखें तो तस्वीरों का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि तस्वीरें इतिहास का आईना मानी जाती है। और तस्वीरों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उनमें मौजूदा इंसान चाहे क्यों ना बदल जाए, लेकिन तस्वीरें कभी भी नहीं बदलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने इतिहास की दुर्लभ तस्वीरों पर एक वीडियो बनाई थी, जिसको कि आप सभी लोगों ने काफी प्यार दिया था, और साथ ही बहुत से लोगों ने कमेंट करके उस वीडियो का पार्ट 2 बनाने की भी रिक्वेस्ट की थी। इसीलिए आप लोगों के कहने पर ही आज हम उस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको कुछ ऐसी ही कमाल की दुर्लभ तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्टीव जॉब्स। दोस्तों यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिकी कंपनी एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार की जाती है, और इस कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय इस कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिया जाता है, जिन्होंने अपने दो पार्टनर्स के साथ मिलकर इस कंपनी को साल 1976 में शुरू किया था। अब आपके जानकारी के लिए बता दें कि उस समय इस कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर कंपनी हुआ करता था, और तब इस कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर IBM को माना जाता था। अब स्टीव जॉब्स की यह दुर्लभ तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह साल 1983 में उनके उन्हीं कॉम्पिटिटिव दिनों के ही दौरान क्लिक की गई थी। इस तस्वीर में स्टीव जॉब्स IBM के लोगों को मिडल फिंगर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व के हिसाब से काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। लेकिन उस समय स्टीव जॉब्स की उम्र 28 साल थी, और इस फोटो से पता चलता है कि वो अपनी यंग एज में काफी अलग हुआ करते थे। नंबर 9, नागासाकी एटॉमिक बम। दोस्तों 6 और 9 अगस्त 1945 ये दो ऐसी तारीखें हैं जिन्हें की इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में ही दुनिया के अंदर पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। अब इन परमाणु हमलों के बारे में तो आप लोगों ने कई बार सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको उस एटॉमिक बम की असली तस्वीर दिखाने वाले हैं, जिसको नागासाकी शहर के ऊपर गिराया गया था। यह तस्वीर जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, द फैट मैन एटॉमिक बम नाम के उसी बम की है, और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर को कैप्चर करते समय बम को बनाने के आखिरी काम को अंजाम दिया जा रहा है। नंबर 8, व्लादिमीर कोमारो। दोस्तों व्लादिमीर कोमारो एक रशियन एरोस्पेस इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट थे, जो कि अपने समय में अंतरिक्ष में दो बार सफर करने वाले रूस के पहले एस्ट्रोनॉट बने थे। साथ ही 24 अप्रैल 1967 के दिन जब उनकी मौत हुई, तो फिर वह स्पेस फ्लाइट में मरने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए थे। दरअसल कोमारो सोयूज 1 नाम की स्पेस फ्लाइट के सोलो पायलट चुने गए थे, और उनकी इस स्पेस फ्लाइट में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन वापस लौटते समय पैराशूट फेलियर के चलते उनके स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल धरती पर क्रैश हो गया, जिसमें कि व्लादिमीर कोमारो की जान चली गई। इस फोटो में जो अजीब सी चीज आपको नजर आ रही है, वो असल में क्रैश होने के बाद से उनकी बॉडी के बचे हुए अवशेष है। नंबर 7, निकोला टेस्ला। दोस्तों सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर निकोला टेस्ला के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिन्हें कि आज दुनिया के सबसे महान इन्वेंटर्स में शुमार किया जाता है। दरअसल टेस्ला ने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीजों को इन्वेंट किया था जो कि आज भी हम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन साथ ही उनकी बहुत सी इन्वेंशंस ऐसी भी रही थी जो कि कई सारी अलग अलग वजहों से कभी भी पूरी नहीं हो पाई, और दोस्तों उनके उन्हीं इन्वेंशंस में से एक था मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर नाम का यह यंत्र, जिसको कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक एनर्जी के वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए बनाया था। और इस दुर्लभ फोटो में आप टेस्ला को अपनी लेबोरेटरी के अंदर बैठा हुआ देख सकते हैं। साथ ही इस फोटो में उनका वो महान आविष्कार मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर भी हवा में बिजली की तरंगे फैलाता हुआ देखा जा सकता है। नंबर 6, हैम चिंपांजी। अब दोस्तों यूं तो दुनिया के अलग अलग स्पेस एजेंसियों के द्वारा आए दिन इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाता रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अंतरिक्ष में किसी इंसान को नहीं बल्कि एक चिंपांजी को भेजा गया था। दरअसल नासा किसी भी इंसान को स्पेस में भेजने से पहले इस चीज का पता लगाना चाहती थी कि स्पेस में जाने से इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है, और इसके लिए साल 1961 में हैम नाम के एक चिंपांजी को स्पेस में भेजा गया था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस यात्रा के लिए हैम को 18 महीने की खास ट्रेनिंग भी दी गई थी, और यह जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी हैम नाम के चिंपांजी का ही है, जो कि उसकी सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद से कैप्चर किया गया था। इस फोटो के जरिए नासा ने दुनिया में यह ऐलान किया कि अंतरिक्ष यात्रा इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। नंबर 5, माइकल जैक्सन शूज। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अमेरिकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का नाम न सुना हो, क्योंकि माइकल जैक्सन अपने समय के इतने बड़े स्टार थे
कि उन्हें आज भी किंग ऑफ पॉप के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल वो अपनी जबरदस्त सिंगिंग के साथ ही अपने बेमिसाल डांस के लिए भी पूरी दुनिया के अंदर फेमस थे, और उनके जैसा डांस कर पाना आज भी हर एक डांसर के बस की बात नहीं। माइकल जैक्सन ने अपने डांस में कई सारे ऐसे स्टेप इन्वेंट किए थे जिन्हें कि उनके अलावा दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता था, और उनके इसी खास स्टेप्स में से एक एंटी ग्रेविटी लीन नाम का भी एक स्टेप था, जिसको कि करते हुए माइकल जैक्सन जमीन की तरफ इतना झुक जाते थे कि उन्हें देखकर कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं कर पाता, क्योंकि किसी को भी यह समझ नहीं आता था कि वो इतना झुकने के बाद भी जमीन पर क्यों नहीं गिरते। उनके इस डांस स्टेप पर कई साल स्टडी करने के बाद से यह बात सामने आई कि वे स्टेप को करने के लिए एक खास किस्म के जूते को पहनते थे, और इस फोटो में जो जूते को आप देख रहे हैं वो माइकल जैक्सन के वही जूते हैं। आप देख सकते हैं कि इस जूते की हील दूसरे आम जूतों से थोड़ी अलग है, और यही चीज माइकल जैक्सन को उनका वो इम्पॉसिबल स्टेप करने में हेल्प करती थी। नंबर 4, फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो आज दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसीज में शुमार की जाती है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है इसका अंदाजा हम लोग बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अब सबसे पहले तो आप जरा इस फोटो पर नजर डालिए। हम आपको बता दें कि इस फोटो में बैलगाड़ी पर जो अजीब सी चीज ढोई जा रही है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे भारत की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस फोटो से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसरो आज जिस भी मुकाम पर है वहां पर पहुंचने के लिए उसे कितना लंबा सफर तय करना पड़ा है। यह वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। नंबर 3, हांस लैंगसेथ। अब दोस्तों आप जरा इस दुर्लभ फोटो पर नजर डालिए जो कि साल 1912 में कैप्चर की गई थी। दरअसल इस फोटो में जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं उनका नाम है हांस लैंगसेथ। दरअसल इनके नाम अपने समय में दुनिया के अंदर सबसे लंबी दाढ़ी रखने का रिकॉर्ड था, और उस समय लैंगसेथ अपनी दाढ़ी की वजह से पूरी दुनिया में काफी फेमस हुए थे। बताया जाता है कि जब साल 1927 में उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी दाढ़ी की लंबाई 17.5 फीट नापी गई थी। नंबर 2, रॉबर्ट वाडलो। दोस्तों आप लोगों ने दुनिया के मौजूदा सबसे लंबे इंसानों के बारे में तो बहुत बार सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा इंसान है जो कि पूरे मानव इतिहास में अब तक का सबसे लंबा इंसान माना जाता है? इस व्यक्ति का नाम रॉबर्ट वाडलो था, जिसकी दुर्लभ तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रॉबर्ट एक अमेरिकी नागरिक था जिसके शरीर की लंबाई 8 फीट और 11.5 इंच थी, और इसी के चलते ही वो एक आम इंसान के सामने लगभग 2 गुना लंबा नजर आता था। हालांकि दुर्भाग्य से साल 1940 में एक डिसऑर्डर की वजह से 22 साल की उम्र में ही रॉबर्ट की मौत हो गई थी। नंबर 1, माता हारी। दोस्तों साल 1876 में नीदरलैंड के अंदर जन्मी माता हारी अपने समय की बेहद मशहूर स्ट्रिपर या फिर कहें कि एक्जॉटिक डांसर थी, जिनके ऊपर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की तरफ से फ्रांस की जासूसी करने का आरोप लगाया गया था, और दोस्तों जासूसी का इल्जाम लगाकर साल 1917 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि आज भी दुनिया के बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि माता हारी पूरी तरह से निर्दोष थी, और उनको इसलिए फंसाया गया था क्योंकि फ्रेंच आर्मी को एक बलि के बकरे की जरूरत थी। खैर माता हारी सच में एक जासूस थी या नहीं यह रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है, लेकिन उनकी यह फोटो आज भी इंटरनेट पर एक जासूस के रूप में शेयर की जाती है। तो दोस्तों यह थे 10 और ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक फोटोज जिन्हें देखकर आपको जरूर ही मजा आया होगा। बहरहाल आप इस वीडियो का पार्ट 1 भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।